बेसिक आर्म इन केमिस्ट्री के नेक्स्ट एपिसोड में आज हम लोग बेंजीन रिंग के कुछ कंपाउंड की नेमिंग करना सीखेंगे। आज हम लोग बेंजीन रिंग पर नेमिंग करना सीखेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं बेंजीन रिंग कंपाउंड की नेमिंग। तो बेंजीन रिंग कंपाउंड की नेमिंग करना सीखेंगे हम। पहले स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट नेमिंग बेंजीन से स्टार्ट करेंगे भाई। बेंजीन से स्टार्ट करेंगे, आप सभी सुना होगा सिक्स मेंबर की रिंग होती है, इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, थ्री पाई बॉन्ड होता है रिंग में, तो बेंजीन होता है। अगर चलो हम इसके नेमिंग को करते हैं, बेंजीन की नेमिंग करते हैं। तो बेंजीन की जब आप नेमिंग करेंगे तो बेंजीन क्या होता है, बेंजीन आपका होता है जेल, सिक्स कार्बन की एक हाइड्रोजन जेल होती है, ये होती है, इसमें अल्टरनेट क्या होती है डबल बॉन्ड। हम इसमें रेजोनेंस के कारण इस स्ट्रक्चर को हम लोग रेजोनेंस के कारण इस स्ट्रक्चर को एक इजी वे में लिख देते हैं, ये हो जाता है आपका बेंजीन, ये आपका बेंजीन होता है, जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, कमाल का एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ये कंपाउंड होता है। हम इसकी नेमिंग जब पढ़ते हैं तो इसको लिख देते हैं इसका नाम होता है बेंजीन। ये बेंजीन से काफी पॉपुलर है, लेकिन अगर मैं कहूँ तो हम लोग इसकी आईपीएससी नेमिंग का एक और तरीका अपना सकते हैं, क्योंकि साइकिल जो होता है आपको बताया गया है वह क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है साइकिल, प्रीफिक्स में काउंट होता है साइकिल। तो अगर हम इसकी नंबरिंग कर दें मैं इसकी नेमिंग को एक नाम दूंगा इसकी नंबरिंग करके, एक नाम इसका निकलेगा 1 2 3 4 5 6, ये सिक्स मेंबर की आपकी साइकिल है, इसकी नंबरिंग कर दिया गया। अब इसको बताइए, ये एक साइकिल है जो कि क्या होती है, प्रीफिक्स होती है, तो हमें साइक्लो लिखने में कोई दिक्कत नहीं थी। साइक्लो जब हो गया, इसमें बताओ रूट वर्ड कितने कार्बन के हैं, सिक्स कार्बन के हैं, जिसका रूट वर्ड हो जाएगा हेक्स भी हो गया, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड बार बार रिपीट किए गए हैं, इसलिए इसमें हेक्स होगा, हेक्स में रूट वर्ड में ए जोड़ना पड़ेगा, हो गया हेक्सा। अब ये डबल बॉन्ड मतलब आपका प्राइमरी सफिक्स होता है जिसका नाम इन होता है, वो कहां कहां पर है, पहले कार्बन पर है, तीसरे कार्बन पर है, पांचवें पर, देख सकते हैं हम इसको, लिख सकते हैं साइक्लोहेक्सा 1 3 5 ट्राई ए। ये हुआ बेंजीन को साइक्लोहेक्सा 1 3 5 ट्राई इन का भी नाम देते हैं, लेकिन ये कॉमनली ज्यादा पॉपुलर बेंजीन से है, इसे बेंजीन से ही पढ़ा जाता है। चलो नाउ नेक्स्ट देखते हैं, बेंजीन पर हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर ये बेंजीन आपका हुआ तो नेक्स्ट हमारा ये होता है, अगर इस बेंजीन के साथ, एक कॉमन नेमिंग की बात कर रहे हैं, अगर इस बेंजीन के साथ हम इस पर क्या लगा दें, NH2 ग्रुप लगा दें, जो पॉपुलर रूप से पढ़ा जाता है, वो पॉपुलर रूप से इसको नाम दिया जाता है, इसका नाम होता है एनिलीन। क्या होता है, एनिलीन होता है, इसका पॉपुलर नेम क्या है, एनिलीन से पढ़ा जाता है। हम नाउ नेक्स्ट भी आपको दिखाते हैं, ये आपका बेंजीन का जो चीज देखेंगे, बेंजीन पर जब एक OH ग्रुप लग जाता है, आप ये खुद समझ सकते हैं ये ग्रुप कैसे लग रहा होगा, आप खुद समझ सकते हैं कि बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6 होता है कि नहीं, इसका तो बेंजीन का ये फार्मूला ही है। तो बेंजीन के हर कार्बन पर अगर बैलेंसिस देखा जाए, ये तो डबल बॉन्ड लग गया, तो एक कार्बन बैलेंसिस चार होते, कितने बैलेंसिस हो रही, एक दो तीन क्लियर हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन, सभी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होता है। और हमें पता है ये हाइड्रोजन एक सब्स्टिट्यूट होता है, बहुत ही छोटा ग्रुप होता है, बेचारा हट जाता है बड़े ग्रुप को देखकर, तो बताओ यहाँ पर इसको हटा के कौन, बताओ कितने हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुए बेंजीन के, सिक्स में से एक हटा, वहां क्या आ गया, एमीन ग्रुप आ गया, जिसका नाम हो गया एनिलीन। अगर इसका फार्मूला लिखा जाए तो बताओ कार्बन कितने हैं, सिक्स है, लेकिन बताओ हाइड्रोजन यहाँ पे कितने होंगे, C6, लेकिन यहाँ कितने हैं, बताओ C6H5 ही होंगे, उसके साथ क्या लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है। वही चीज हम इसमें देखेंगे, बताओ ये तो हट जाएगा, तभी हटेगा, तभी तो नहीं यहाँ पर आएगा भाई, जब सीट खाली करेगा तभी तो सीट पर कोई बैठेगा, तो बताओ एक सीट पर, इसको सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, इसका फार्मूला क्या होगा, इसको हम कॉमनली कहते हैं, नॉर्मल पॉपुलर नेम इसका होता है फिनॉल, क्या होता है फिनॉल, इसका अगर फार्मूला लिखेंगे क्या होगा, C6 होगा,
और यस क्या होगा, फाइव होगा, और इसे क्या बोलेंगे, ओएस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओएस कहते हैं। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। यह बेंजीन का नेक्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे। अगर ये बेंजीन आपका दिख रहा है, इस बेंजीन में नेक्स्ट एग्जांपल ये बेंजीन है, ये बेंजीन है। इस बेंजीन तो मैंने क्या लगा दिया, सीएल लगा दिया। तो हमें पता है सीएल जो होता है ये तो हमेशा प्रीफिक्स में होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स में होता है। इसे पढ़ा जाता है क्लोरोबेंजीन। क्या नाम दिया जाता है, क्लोरोबेंजीन। इसका फार्मूला बना जब क्या हो जाएगा बताओ, C6H5 और सीएल। एक हाइड्रोजन कम हो गया बेंजीन का कि नहीं, हो गया। इसे क्लोरोबेंजीन कहते हैं। एक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अगर इसी पर हम क्या लगा दें बेंजीन, तो क्या लगा दें, एक कॉमन ग्रुप लगा दें। मान लो ये क्या है आपका NO2 ग्रुप है, तो इसे क्या नाम हम देंगे बताओ, NO2 का मतलब होता है नाइट्रो। इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। इसको कॉमनली नाम हम देते हैं नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट आते हैं, ये नाइट्रोबेंजीन हो गया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नेमिंग करते हैं। नेक्स्ट नेमिंग क्या है, नेक्स्ट नेमिंग के लिए अगर हम प्रश्न करें तो हम एक नेक्स्ट नेमिंग आपको लाते हैं, काफी गजब की नेमिंग है। वो गजब की नेमिंग आपकी होगी, ये नेमिंग आपकी होती है बेंजीन। तो हमने क्या लगा दिया, इस बेंजीन पर हमने लगा दिया CH3 ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया, CH3 ग्रुप लगा दिया। इस बेंजीन का नाम हो गया, इस बेंजीन का नाम क्या हो गया, इस बेंजीन का नाम हो गया टॉलुइन। क्या हो गया, टॉलुइन। ये आपका बन गया टॉलुइन, बन गया आपका टॉलुइन हो गया। इसे टॉलुइन कहा जाता है। अगर इसका फार्मूला बनाया जाए तो हो जाएगा C6H5CH3 हो जाएगा। ये आपका टॉलुइन है। अब इसी टॉलुइन से हम लोग एक गजब का नाम सीखेंगे, इसी टॉलुइन से हम लोग एक गजब की नेमिंग करना सीखेंगे। ये टॉलुइन देखिए गजब की नेमिंग करेगा। अब इसी टॉलुइन से हम लोग एक गजब गजब का नाम निकालेंगे। चलिए देखते हैं टॉलुइन, टॉलुइन को हम देखेंगे, टॉलुइन को देखते, टॉलुइन को हम करेंगे। ये हमारा क्या है, बेंजीन के साथ CH3 ग्रुप लगा, इसका नाम क्या हो गया, ये CH3 ग्रुप हमने नाम दिया, ये आपका क्या हो गया टॉलुइन। क्या हो गया, टॉलुइन हो गया। लेकिन इसे CH3 से देखिए हम लोग नाम करें, इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए CH3 का, तो देखो क्या क्या निकालता है। यहाँ से देखेंगे सब्स्टिट्यूट हम 3 दिखाते हैं, यहाँ से हम एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करें, कितने हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करें, भगा रहे हैं, ये बन जाएगा इस बेंजीन पर आपको हो जाएगा, ये बेंजीन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा, और एक सीट खाली हो जाएगी, एक सीट खाली हो गई, जो हाइड्रोजन हट गया भाग गया, इसका नाम हो जाता है, इसका नाम हो जाता है बेंजीन। क्या हो जाता है, बेंजीन। ये आपका बेंजीन हो गया, इसे बेंजीन कहा जाता है। चलो नाउ नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया गया, दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया गया, तब क्या बनेगा, तो आप देख सकते हैं इस कार्बन के साथ कितने सीट खाली हो गई, ये CH हो गया, दो सीट खाली हो गई, दो सीट खाली हो गई, इसका नाम होता है बेंजल, इसका नाम होता है बेंजल, इसका नाम होता है बेंजल। नाउ नेक्स्ट क्या कर दिया जाए, इसी टॉलुइन से 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, ये आप खुद देख सकते हैं कितने सीटें खाली हो गई, कितने सीटें खाली हो गई, 3 सीट खाली हो गई, तीनों तीनों सीट खाली हो गई, कोई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर इसका नाम होता है बेंजो। क्या होता है, बेंजो। चलो आओ इस पर हम लोग बेंजो पर, बेंजल पर, बेंजिन पर कुछ एग्जाम्पल बनते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल बनाया, इसका एक एग्जाम्पल बनाया, इसमें लिखा क्या गया आप ये देख सकते हैं, मैंने लिखा क्या, CH यहाँ पर लिख दिया, CH2 यहाँ पर क्या लिख दिया, OH, क्या लिख दिया, OH। इसका क्या नाम होगा, OH मतलब होता है एल्कोहल। अब ये बताओ एक हाइड्रोजन हटकर OH आया है, हटा है कि नहीं, एक सीट खाली होकर OH आया है, इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजील एल्कोहल, बेंजील एल्कोहल। ये पॉपुलरिटी यही है, ये पॉपुलर इस नाम से ज्यादा पढ़ा जाता है, बेंजील एल्कोहल। चलो आओ हम लोग बेंजल का एग्जाम्पल देखते हैं, किसका, बेंजल का देखते हैं। तो बेंजल में देखें ये आपका क्या है, तो बेंजीन है ही, ये आपका क्या है, कितने कार्बन हैं, एक हाइड्रोजन है। चलो भैया एक हाइड्रोजन के साथ रहने दो, इसके दो सीटों को किसको साथ बैठा देते हैं, तो के साथ, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया, इसका नाम हो जाता है बेंजल, तो है ही बेंजल, तो है ही,
और ये क्या हो गया एल्डिहाइड, इसका नाम जब बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड हो गया, इसे किस नाम कहते हैं बेंजल्डिहाइड, ये आपका बेंजल्डिहाइड हो गया। चलो नाउ नेक्स्ट आते हैं बेंजो की तरफ, बेंजो की तरफ आते हैं, ये रिंग आपको दिख रही है, ये रिंग आपको दिख रही है, इस रिंग में देखें यहाँ पे क्या है, कार्बन की तीनों वैलेंसी हाइड्रोजन से फ्री है, यहाँ पर हम लाते हैं सी डबल ओ और ये क्या आपका है ओ और यह चलाते हैं, ये कार्बन बताओ हाइड्रोजन से फ्री है नहीं, तो ये बताओ क्या है, ये क्या है, इसे हम कहते हैं बेंजोइक, ये ओइक हो जाएगा, ये तो बेंजो है ही, बेंजो है ही, उसमें क्या लग गया ओइक एसिड, किंग ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, इसे कहते हैं बेंजोइक एसिड, क्या कहते हैं बेंजोइक एसिड। तो आज हमने क्या बनाया, आज हमने टॉलविन से क्या बनाया, बेंजील बनाया, बेंजल बनाया और बेंजो बनाया, और बेंजील से क्या बनाया बेंजील अल्कोहल, बेंजल से क्या बनाया बेंजाल्डिहाइड, और बेंजो से क्या बनाया बेंजोइक एसिड, क्या बनाया बेंजोइक एसिड। ये आपको ऐसे नाम्स हैं जो काफी पॉपुलैरिटी से नाम आते हैं और आपके दिमाग में चकरा जाता है कि ये कैसे आया, कैसे पढ़ा जाए, और ये कॉमनली नामिंग करी जाती है, ये तो गजब की मीनिंग है, ये आपको हमारे ट्रिक के अंदाज में इसको आप लोग इजिली बता सकते हैं कि कौन सा बेंजील है, कौन सा बेंजल है, कौन सा बेंजो है।